अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबरली आशमी। क्रिप्टो के अंदर, स्टॉक के अंदर या फॉरेक्स के अंदर, हम किसी भी कॉइन के अंदर या किसी भी मार्केट में हम जब एंट्री लेते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि वो एंट्री किसी सपोर्ट लाइन के ऊपर हो। जब भी हमें एग्ज़िट करना होता है तो हमें वेट करना होता है कि किसी रेजिस्टेंस लाइन तक ये प्राइस पहुँच जाए और रेजिस्टेंस पर जाके हम इसको सेल कर दें। वो उससे ऊपर भी जा सकती है, रेजिस्टेंस को तोड़ के प्राइस ऊपर भी चली जाती है, सपोर्ट को तोड़ के प्राइस नीचे भी आ सकती है, लेकिन सपोर्ट को तोड़ने के चांसेस कम होते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो सपोर्ट लाइन हमने ड्रॉ करके रखी होती है वहाँ से प्राइस ऊपर चली जाए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में बहुत ज़्यादा आपने नाम सुने होंगे जी, सपोर्ट के ऊपर ख़रीद लें, रेजिस्टेंस के ऊपर बेच दें, ये सपोर्ट मज़बूत है, ये कमज़ोर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आपको ये दो नाम बार बार सुनने को मिलते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किस तरह से करनी है, हमें कैसे पता चलेगा कि सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो इस चीज़ के ऊपर आज मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्डिंग करके बता दूंगा कि मोबाइल में अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है वो कैसे करनी है। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह, अपडेट्स, सिग्नल वगैरह मिलते रहें। कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको ले चलता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने कैसे ड्रॉ करनी है और उन पे फैसला कैसे करना है, और ये मैं कितनी किस्म की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता हूँ। सबसे पहले हमने जिस कॉइन के अंदर एंट्री लेनी है हमें उस कॉइन के बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। वो कॉइन जो है वो मार्केट में कहीं भागने तो नहीं वाला, उस कॉइन के बारे में कोई बुरी खबर तो नहीं सर्कुलेट होगी मार्केट में, वायरल तो नहीं होगी कि ये कॉइन बहुत बुरा है। अगर कोई ऐसी खबर है तो उस कॉइन के अंदर आपने एंट्री लेनी नहीं होती, वो फंडामेंटल्स एनालिसिस आपने करने होते हैं। उसके ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, कोशिश करूँगा और भी वीडियोस लेके आऊँ जिसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने का तरीका बता दूँ। दो तीन वीडियोस उसके ऊपर भी आएंगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, भरपूर किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है यहाँ पर। अच्छा, ये हमारे पास जो कॉइन है इसका नाम है गाला, बहुत अच्छा कॉइन मार्केट में इसको समझा जाता है, आजकल बहुत डिप में चल रहा है, अगर आप चाहें तो इसको बाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हम सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन की बात करते हैं, ये हमें साइड में काफ़ी ज़्यादा टूल्स मिल जाते हैं, इनमें ये लाइंस होती हैं। ठीक है, सबसे ऊपर जो है अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो क्रॉस, डॉट, एरो और रेजर, ठीक है, ये हमें चार किस्म के टूल्स मिलते हैं। क्रॉस के ऊपर जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास एक क्रॉस आता है, इससे पकड़ के हम मार्केट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, जब हम एरो की या डॉट की बात करते हैं उससे भी सेम यही काम हो जाता है। अच्छा, नीचे आ जाते हैं तो नीचे हमें जब हम क्लिक करते हैं इसको यहाँ पे, तो ट्रेंड लाइन, एरो, रे, इंफॉर्मेशन लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेंड एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। इनके ऊपर वैसे तो बहुत सारी वीडियोस बन सकती हैं, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर हम आज दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक तो ट्रेंड लाइन, ठीक है, दूसरे नंबर पर ये जो आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7वें नंबर पर जो चीज़ मिल रही है हॉरिजॉन्टल लाइन। ट्रेंड लाइन आल्ट टी दबाएंगे तो आपको ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, आल्ट एच दबाएंगे तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी। ठीक है, मैंने इन दोनों को फेवरेट करके रखा है। फेवरेट करने से क्या होता है, हमारे यहाँ पे ना ये एक मेन्यू हमें नज़र आ रहा है, ये एक टूल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मुझे ये क्रॉस, हॉरिजॉन्टल लाइन, प्राइस रेंज, ट्रेंड लाइन, साथ में प्राइस लेबल, टेक्स्ट, ये चीज़ें मैंने फेवरेट करके रखी हुई हैं ताकि मैं इनको यहाँ से बार बार मुझे ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, मुझे यहाँ पे हैंडी सा एक टूल मिल जाता है जहाँ पे मैं उठा के जहाँ मर्ज़ी रख लूँ। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट की मैं बात करूँ, ट्रेडिंग व्यू के अंदर हमने ये सारी की सारी ट्रेंड लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सारा काम हमने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर करना होता है। अब ये जो आपको ऊपर काफ़ी सारी लाइन्स नज़र आ रही हैं ये सारी मैंने लगाई हुई हैं, इनको छोड़ दें, ये ऊपर चली गई हैं, प्राइस नीचे आ गई है, इन सारी लाइन्स को तोड़ते तोड़ते मार्केट जो है वो डिप करती हुई डंप में मार्केट आजकल नीचे चल रही है। अच्छा, अब हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है कि मार्केट में हमें ये पता चल सके कि गाला जो है वो बार बार कहाँ पे जाके वापस आ जाता है। ठीक है, वो सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हम कितने घंटे की या कितने मिनट की कैंडल्स के ऊपर हम खड़े हैं। अब मैं खड़ा हूँ एक घंटे की कैंडल के ऊपर, ये हमारे पास जितनी कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं ये देखें, हर कैंडल एक घंटे की प्राइस शो करवा रही है। कैंडल के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, हर कैंडल जो है वो दिखा रही है रेट यहाँ से यहाँ तक एक घंटे में जो पहुँचा है। अगर मैं इसको एक दिन के ऊपर कर देता हूँ तो प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा बन जाएगा।
अगर मैं एक दिन की ट्रेडिंग की बात करूं तो मैक्सिमम जो कैंडल ओपन करूंगा वो 15 मिनट या 30 मिनट की मैं ओपन करूंगा। अच्छा, हम 30 मिनट की कैंडल ही ओपन कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंट्राडे करते हैं, एक दिन की ट्रेडिंग करते हैं। कोई भी कॉइन खरीदते हैं तो वो एक दिन के अंदर अंदर कोशिश करते हैं कि प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाए तो हम बेच दें, या फिर इससे नीचे भी अगर एक मिनट या पाँच मिनट की कैंडल की बात करते हैं तो जो लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं, शॉर्ट की लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि वो एक मिनट या पाँच मिनट की कैंडल को ओपन कर लेते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हर कैंडल के ऊपर ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। आप एक घंटे की कैंडल के ऊपर कर सकते हैं, एक मिनट के ऊपर भी कर सकते हैं, वो अलग अलग से प्राइस रेंज जो है वो आपको शो करवा देगा। अच्छा, मैं 30 मिनट की कैंडल के ऊपर बात आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हम सपोर्ट लाइन को ड्रा कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने सेलेक्ट क्या करना है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब यह है कि हम जहाँ भी सिलेक्ट करेंगे पूरी स्क्रीन के ऊपर एक लाइन सीधी ऐसे ड्रा हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे एक लाइन पूरी ड्रा हो जाएगी। अब ये रेड कलर की जो लाइन ड्रा हुई है, हम इसको यहाँ पे दबा के मोटा भी कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, जहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं, ज़्यादा मोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप 2 पिक्सल के ऊपर इसको रखें, 2px के ऊपर, तो ये एक मतलब एवरेज सी एक लाइन बन जाती है। हम इसको इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, डैश टाइम भी कर सकते हैं, डॉटेड टाइम भी कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो हम इसको लाइन के ऊपर करेंगे तो ज़्यादा हमें विजिबल ये नज़र आएगी। कलर इसका जो है वो, अगर आप सपोर्ट के ऊपर लगा रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसको येलो रखें। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर लगा रहे हैं तो आप इसको रेड कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे अब प्राइस अभी तक पहुँची नहीं है, प्राइस जाएगी तो इस लाइन को अगर क्रॉस करेगी तो फिर ये एक रेजिस्टेंस को तोड़ के प्राइस ऊपर चली जाएगी। अच्छा, हम इसको ग्रीन या येलो कुछ भी कर सकते हैं। खैर, ये लाइन जो है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ड्रा की, इसको डिलीट करते हैं। हमने अब देखना है कि इसको हमने कहाँ कहाँ पर ड्रा करना है, ताकि हमें पता चल सके कि मार्केट में ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस चल रही है। फिर हम ट्रेंड लाइन के बारे में भी इसी वीडियो में बात करेंगे। ट्रेंड लाइन में भी हम ये देख सकते हैं कि वो भी सपोर्ट के तौर पे काम करती है। ट्रेंड लाइन जो है ना, वो हम ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन ये होती है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं जी, यहाँ से मार्केट जो है ना वो यहाँ तक चली गई, तो देखें मार्केट बार बार इस लाइन को टच करके ऊपर चली गई। तो ये एक ट्रेंड लाइन को भी एज अ सपोर्ट लाइन यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन की कर रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ये देखें मज़ीद ऐसे, और क्रॉस को पकड़ के हम पहले इसको स्क्रीन के ऊपर फिट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं जी, मार्केट कहाँ पे आके वापस चली गई थी। हॉरिजॉन्टल लाइन को पकड़ेंगे हम, देखेंगे जी ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से आके मार्केट ऊपर चली गई थी वापस। ये पॉइंट बनता है 0.067 के ऊपर। यहाँ पे मार्केट आई, तकरीबन 2 दफ़ा इस लाइन को टच करके मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। यहाँ देखें ना, आपको थोड़ा सा मज़ीद मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ, ये देखें। ज़रूरी नहीं होता कि ये जो लाइन है ना बिल्कुल इस लाइन को टच करके ही मार्केट जाए, थोड़ा सा इस लाइन के ऊपर भी हो सकती है, थोड़ा सा इस लाइन के नीचे भी हो सकती है। हमने एक एवरेज सी एक लाइन लगानी होती है, क्योंकि ये हम कहने को तो इसको लाइन ही कहते हैं, लेकिन ये हमेशा एक जून होता है। जून होता है, लाइन ये होती है और ये जून होता है, ठीक है। हमने कोशिश ये करनी होती है कि हम इसको अपने जहन में ये बना के रखें कि ये इस जून के तौर पे ये लाइन काम कर रही है। जून कैसे बनेगा, वो आप इस तरह से बना सकते हैं, रेक्टेंगल लेके आप यहाँ पे एक बना सकते हैं कि ये एक जून है, ठीक है। ये आपने अपने जहन में रखना है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बना लें तो ठीक है, ना बनाएं तो भी ठीक है। अच्छा, खैर, एक लाइन हमने ये ड्रॉ की कि जहाँ पर जब प्राइस आई थी तो जहाँ पर बायर्स बैठे हुए थे, इन्होंने इस प्राइस के ऊपर ऑलरेडी ऑर्डर लगा के रखे थे। जैसे ही प्राइस इस लाइन को टच की तो प्राइस देखें यहाँ से ऊपर चली गई, ठीक है। साथ साथ ही मैं आपको ट्रेंड लाइन के बारे में भी समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये देखें, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती थी, ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती है, ये देखें, यहाँ पे ट्रेंड लाइन में ज़रूरी नहीं होता कि बिल्कुल ही उस लाइन के ऊपर आ जाए, ये ज़रूरी नहीं होता। ट्रेंड लाइन को ये जैसे इस कैंडल ने थोड़ा सा तोड़ा, ये देखें ना, मैं जूम इन मज़ीद करके दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ पे सारी कैंडल इस लाइन को बिल्कुल अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दे रही थी। इस कैंडल ने थोड़ा सा तोड़ा, फिर ऊपर चली गई। इस कैंडल ने भी तोड़ा, फिर तोड़ा गया, फिर तोड़ा गया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल फिर उसके ऊपर ऊपर चली गई और मार्केट इस लाइन से ऊपर ऊपर ही हमें नज़र आई। फिर अगर दोबारा नीचे आई तो इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करते हुए फिर से मार्केट ऊपर गई, और ये कब तक इसकी रिस्पेक्ट की मार्केट ने, जब तक इसको तोड़ के मार्केट नीचे नहीं चलेगी, ठीक है। जब इसको तोड़ा मार्केट ने, ये देखें, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा मज़ीद हम एक्सटेंड करते हैं यहाँ पर,
ये देखें, ठीक है। तो इसको जब तोड़ा मार्केट ने तो मज़ीद इसके नीचे आई, तो इसके नीचे ही चली गई, फिर दोबारा ऊपर नहीं गई, फिर मार्केट नीचे नीचे चली गई, ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, तो बस तोड़ दिया। अच्छा, हम इसको अभी डिलीट करते हैं और हम आते हैं वापस अपनी हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर। हमने देखा कि इस पॉइंट के ऊपर आके मार्केट दोबारा से ऊपर गई थी। अच्छा, ऊपर से वापस फिर कब आई वो भी हमने देखना है। तो हमने हॉरिजेंटल लाइन को दोबारा पकड़ा और इस पॉइंट पे जाके मार्केट जो है वो यहाँ से भी वापस आई। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी यहाँ पे ब्रश पकड़ के आपको दिखा देता हूँ। ये एक पॉइंट बना, इसको टच करके मार्केट वापस आई और उससे पहले भी एक दफ़ा मार्केट यहाँ पे इसको टच करके वापस आई थी। फिर अगर इससे ऊपर निकली मार्केट तो ज़्यादा टिकी नहीं यहाँ पे, तो यहाँ से भी वापसी होगी मार्केट की, फिर इसको टच करके दोबारा यहाँ से वापस। ये तीन पॉइंट ये और चौथा ये एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे तीन दफ़ा पहले रिजेक्ट कर चुकी है इसको, तीसरी चौथी दफ़ा यहाँ पे इसने रिजेक्ट कर दिया। ये एक हैवी रेजिस्टेंस बन गई, एक मज़बूत किस्म की रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इसको मज़ीद जूम आउट करते हैं तो देखते हैं, ये देखें, मैंने कहा था आपको एक जोन के तौर पर काम करती है हमेशा मार्केट, तो ये एक जोन बनेगा। यहाँ पे रेक्टेंगल को खोलेंगे तो एक जोन बनता हुआ हमें नज़र आएगा कि इस जोन के अंदर अंदर मार्केट जो है वो दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिजेक्ट की जा रही थी बार बार, जो सेलर्स हैं वो वहाँ पे सेल कर रहे थे। अच्छा, इससे पहले ये जो मार्केट है अगर हम देखते हैं तो इस लाइन को इसने रिस्पेक्ट नहीं दी, ये देखें बिल्कुल, कभी इससे ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, जहाँ से थोड़ी देर के लिए ऊपर गई फिर तोड़ के नीचे आ गई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आ गई। अच्छा, अभी तक ये लाइन यहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट के तौर पे काम नहीं कर रही थी। जब ये मार्केट पहले चल रही थी ना, ये रेजिस्टेंस थी ना ये सपोर्ट थी, अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब ये काम कर रही है। यहाँ से स्टार्ट हुई, एक पॉइंट इसने यहाँ पे भी रिजेक्ट कर दिया और नेक्स्ट ये देखें, हमने देखा नहीं था लेकिन मैं आपको बता रहा था, एक पॉइंट इसने ये भी रिजेक्ट कर दिया, तो ये एक बहुत हैवी किस्म की रेजिस्टेंस बन चुकी है 0.088 के ऊपर गाला की, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुकी है। मार्केट बहुत तेज़ी से ये देखें ऊपर जा रही थी, लेकिन जहाँ से रिजेक्ट होगी मार्केट नीचे आ गई, वहाँ से बहुत तेज़ी से सेलर जो है उन्होंने सेल किया और मार्केट को धकेल के नीचे कर दिया। अब देखते हैं जी एक और, ये देखें इनको करते हैं जी डिलीट। अब ये हमारे पास एक फिर से एक स्पोर्ट लाइन बनती हुई हमें नज़र आई। मार्केट जहाँ से रिजेक्ट तो हुई लेकिन जहाँ से वापस चलेगी मज़ीद इस लाइन तक नहीं आ सकी, तो हमने एक लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ की। क्योंकि यहाँ पे मार्केट आई तो दोबारा से ऊपर गई, यहाँ पे आई तो रिजेक्ट होकर फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से मार्केट जो है इसमें बायर्स आए, फिर यहाँ से बायर्स आए, तो मार्केट बार बार तीन चार जगह से इस लाइन को टच करके वापस चली जाती है। तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे आके कुछ ख़रीदार बैठ चुके हैं। पहले ये लाइन जो थी ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही थी। हमेशा ऐसा होता है जब भी कोई लाइन सपोर्ट के तौर पे काम करती है वो उससे पहले रेजिस्टेंस होती है, वहाँ पे सेलर्स बैठे होते हैं, और जब मार्केट उससे ऊपर निकल जाती है तो फिर जब वापसी आती है मार्केट तो वो एक सपोर्ट के तौर पे काम करती है, ठीक है। और जब मार्केट उसको सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ जाती है तो फिर वो लाइन जो है वो दोबारा से रेजिस्टेंस कहलाती है, और दोबारा से जाते जाते मार्केट वहाँ से रिजेक्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ऊपर जाएगी, रिजेक्ट होकर बार बार वापस आएगी। यहाँ पे ये मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है ऑलरेडी, समझ आ गई बात। अच्छा, अगर हम देखते हैं तो हम क्योंकि 30 मिनट की कैंडल के ऊपर खड़े हैं, अगर हम इसी जगह पे हम 4 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो ये जो लाइंस हमने लगाई हैं ये देखें, ये लाइंस उतनी वैलिड हमें नज़र नहीं आएंगी, ये देखें। हमें क्योंकि मार्केट जो है उसमें जितना हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे हम ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा कर पाएंगे, ठीक है, आपको समझ आ रही बात। अब ये लाइंस हमें उतनी ज़्यादा, जैसे हमें वो 30 मिनट के ऊपर नज़र आ रही थी वो हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो यहाँ पे देखें ना, मार्केट ऊपर गई नीचे, वैसे वैलिड तो होती हैं लाइंस, लेकिन उतनी ज़्यादा हमें क्लैरिटी यहाँ पे नहीं मिल रही, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा टच करके आई, फिर यहाँ से थोड़ा सा टच करके वापस आ गई, लेकिन ठीक है फिर भी ये काम कर रही हैं, हमने अच्छी लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। खैर, इनको डिलीट करते हैं। अब आ जाते हैं जी हम मज़ीद और लाइंस लगाते हैं यहाँ पे, ये सारी डिलीट कर लें। अच्छा, मज़ीद हम क्या देखते हैं जी, ये जो लाइन हमने लगाई हैं दो, ये लाइन यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से इसने मार्केट ने जो है वो रिस्पेक्ट दी और मार्केट वापस चली गई, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट जो है वो आगे वापस गई है एक दफ़ा। हम यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखें,
तकरीबन हम यहाँ पे इसका डाटा लेंगे इस जगह का, क्योंकि ये जो विक्स हमें नज़र आ रही हैं यहाँ पे मार्केट आई वापस चली गई, इसको तोड़ा अगर तो मज़ीद नीचे वाली सपोर्ट लाइन के ऊपर आ गई, अगर इसको तोड़ा तो मज़ीद ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर चली गई, अगर इसको तोड़ा तो मज़ीद थोड़ी सी नीचे आई, लेकिन दोबारा इसको तोड़ के मज़ीद नीचे आ तोड़ नहीं पाई तो मार्केट फिर से नीचे आ गई, अच्छा दोबारा इसको तोड़ा तो मार्केट ऊपर चली गई। तो ये लाइन भी एक वैलिड लाइन है और हम इसके ऊपर भी यकीन कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि मज़ीद और लाइन क्रिएट करें तो हम मार्केट में थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये देखें, हमें यहाँ पे और भी लाइंस लगाने का मौका मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आएंगे, हम यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? मार्केट यहाँ से वापस हो गई है, यहाँ पे इसको रिजेक्ट करके मार्केट नीचे आई थी, जब तोड़ा तो मार्केट फिर ऊपर निकल गई, यहाँ पे भी मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट की है, ठीक है, यहाँ पे इसको सपोर्ट के तौर पे काम किया है मार्केट ने, ये लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे इसको जब तक तोड़ा नहीं है मार्केट ने तो मार्केट नीचे नीचे रही है, जैसे ही तोड़ा तो मार्केट ये देखें यहाँ से ऊपर चलेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। अब आ जाते हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये आपको समझ आ गई ना बात कि हम मार्केट में देखते हैं कि जहाँ से बार बार मार्केट आके टच करके वापस जा रही है, तो हमने उन पॉइंट्स को जोड़ के एक लाइन वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी होती है। ये होता है काम, ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको समझ आ गई बात। आगे आ जाते हैं जी हम ट्रेंड लाइन के ऊपर कि हम ट्रेंड लाइन को किस तरह से ड्रॉ करते हैं और फिर उसके जो साइन बनते हैं उनको हम कैसे देखते हैं। अच्छा, अभी ये जो गाला है इसको हम देख रहे हैं जी 1 घंटे की कैंडल के ऊपर, और इसका एक हमें मेरे हिसाब से जो बन रहा है वो ये है कि यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन को पकड़ेंगे, जो मार्केट में आपको जो एक एंगल सा बनता हुआ नज़र आ रहा है ना कि इस तरह से एक लाइन ऊपर से आती है, एक नीचे से आ सकती है, कैसे हम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, इस लाइन को हम यहाँ पे ला के छोड़ देंगे। ये आपको ऐसा ऐसा से प्रैक्टिस करने से ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा, एक लाइन हम यहाँ पे लगाएंगे और देखेंगे कि ये लाइन बिल्कुल ऐसे, ये देखें, अब हम इनको आपस में जोड़ देंगे मज़ीद यहाँ पे, ये देखें, कोशिश करेंगे कि जितनी अच्छे तरीके से खूबसूरती से ड्रा हो सकता है ये पैटर्न ड्रा हो गया। अब इन पैटर्न्स को देखने के लिए भी मैं आपको वैसे तो सिखाऊंगा मार्केट में सारी चीज़ें, लेकिन देखने के लिए बहुत एक आसान तरीका है, वो कौन सा है? आपके पास एक ये होना चाहिए चार्ट, वो कौन सा चार्ट है? ये वाला चार्ट। अच्छा, इसमें आपने वो ढूंढना है कि वो जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया वो कौन सा बना है। ये देखें, ऊपर से लाइन जो है वो नीचे आती हुई नज़र आ रही है और नीचे से एक सीधी लाइन जो है वो तकरीबन ड्रा सीधी लाइन हुई है, ये ऊपर नीचे नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अच्छा, तो ये जो एक पैटर्न बना है इसका नाम यहाँ पे हमने ढूंढना है, इसका नाम है जी डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये देखें, ऊपर से लाइन नीचे आ रही है और नीचे से लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी है, डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब इसका मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ट्रायंगल का मतलब तो हमें यहाँ पे नहीं बताया जा रहा, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक चार्ट की पिक्चर और आपके पास होनी चाहिए, ये देखें, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स इनको बोलते हैं, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। इनमें डबल टॉप के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, नेक्स्ट आपको अलग अलग पैटर्न्स के ऊपर वीडियोज़ मिलती जाएंगी। अच्छा, ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है इसको हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा तो हम इससे भी एक आसान तरीका है, वो क्या है, आप गूगल के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे डिसेंडिंग, ये देखें डिसेंडिंग ट्रायंगल आपने सर्च किया और आपको यहाँ पे काफ़ी सारी पिक्चर्स मिल गई, आपने किसी एक पिक्चर के ऊपर सेलेक्ट किया और देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये मार्केट में किस तरह से इफ़ेक्ट करता है ट्रायंगल। ये देखें, मार्केट चल रही थी, ऊपर गई नीचे आई, एक लाइन ऊपर से नीचे आती हुई हमें नज़र आई, ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की और एक लाइन नीचे से सीधी ड्रॉ हुई, तो इसका मतलब है जी मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, हो सकता है दोबारा थोड़ी सी ऊपर जाके इस लाइन को टेस्ट करे, लेकिन मार्केट जो है वो नीचे आएगी। अब हम आ जाते हैं वापस, ये बिल्कुल सेम है ना। अच्छा, यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, हम एक पाथ को ड्रा करेंगे अपना एनालिसिस जो है उसको चेक करने के लिए कि मार्केट यहाँ से ऐसे जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऐसे जाएगी और फिर नीचे यहाँ पे आके टच करके मार्केट फिर ऐसे जाएगी, ठीक है जी। ये हमने एक पाथ ड्रा कर दिया, कैसे, हमने यहाँ पे गूगल से हेल्प ली, डिसेंडिंग ट्रायंगल को देखा और ये देखें बिल्कुल वैसे ही हमने पाथ को ड्रा कर दिया। अब हमने ये देखना है, इसको कहते हैं पेपर ट्रेडिंग या कहते हैं प्रैक्टिस। ये आपने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, बार बार आपने चार्ट के अंदर ये पैटर्न्स ढूंढने होते हैं कि ये पैटर्न पहले बना था तो इसका रिजल्ट क्या आया था, गूगल क्या कह रहा है इसके बारे में, बड़े बड़े ट्रेडर्स क्या कह रहे हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में, असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में, ट्रेंड लाइन किस तरह से काम करे, ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी बार बार। ये हमने ट्रेंड लाइन को पकड़ा, ड्रा किया,
इसमें क्या हुआ, मार्केट जहाँ से रिजेक्ट होकर वापस आई थी दोबारा से वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकी, और जब पहुँची तो फिर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए फिर से वहीं से नीचे आ गई। अच्छा, दोबारा से अगर ये जाएगी तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से अगर तो इसको ये टच करके वापस आ जाती है तो फिर ये पैटर्न बिल्कुल ही वैलिड है, और जब ये नीचे आएगी तो इस वाइट लाइन को क्रॉस करके थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो फिर ये वैलिड है, और जब ये इसको तोड़ेगी तो हमें ये सोचना चाहिए कि मार्केट अब मज़ीद डिप में चली जाएगी। कहाँ तक चली जाएगी? अपनी सपोर्ट लाइन के ऊपर। अब हमें एक सपोर्ट लाइन ड्रा करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन को पकड़ेंगे और हम सपोर्ट लाइन को ड्रा करेंगे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे करीब करीब हम ड्रा करेंगे और एक यहाँ पे। ये तीन लाइंस हैं हमारे पास। हो सकता है मार्केट इसको तोड़ के नीचे आए तो पहले सपोर्ट लाइन से ही वापसी हो जाए, ठीक है, 0.072 के ऊपर। हो सकता है अगर इसको भी तोड़ दे और मार्केट में बहुत ज़्यादा फट आ जाए तो मार्केट यहाँ पे पहुँच जाएगी 0.070 के ऊपर। अगर इसको भी तोड़ दिया तो बहुत चांसेस हैं कि मार्केट जहाँ से तो वापस हो ही जाएगी, 0.067 के ऊपर तकरीबन मार्केट वापस हो ही जाएगी। ये हम ये सोच सकते हैं कि ये हमारी जो सपोर्ट लाइन है उनको रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट काम करेगी। अगर ये इनको तोड़ती जाती है, मार्केट नीचे आती जाती है, एकदम से नीचे आ जाती है, वो भी पॉसिबल है। कॉइन की प्राइस कहीं भी जा सकती है, पॉसिबल सब कुछ होता है, लेकिन हमने ये देखना है कि हमारी जो सपोर्ट लाइन है वो काम कर रही है कि नहीं। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो माजी में, तो पास्ट में तो ये काम कर रही थी ना लाइन, ये देखें बार बार इस लाइन को टच करके मार्केट जहाँ पे चल रही थी, तो हमने इन लाइंस को देख के ही चलना है अब मार्केट में। हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है? इस लाइन के ऊपर। जब मार्केट जहाँ पे आएगी हमने एंट्री लेनी है, 10% अपना पोर्टफोलियो का हमने इसके अंदर डालना है, वेट करना है। अगर मार्केट नीचे आती है तो हमने इस सपोर्ट लाइन के ऊपर, दोबारा जो सेकंड सपोर्ट लाइन है इसके ऊपर हमने फिर से एंट्री लेनी है 10% या 5% की। अगर मार्केट इसको भी तोड़ के नीचे आ जाती है तो हमने थर्ड एंट्री जो लेनी है वो लेनी है 0.067 के ऊपर, और इसके बाद हमने एंट्री नहीं लेनी। मैक्सिमम तीन एंट्रीज लिया करें या दो के ऊपर आप बस कर दिया करें, और उसके बाद आप स्टॉप लॉस लगा दिया करें। स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि अगर इससे भी मार्केट नीचे आती है तो हम थोड़ा सा गैप रखेंगे, 0.066 के ऊपर हम एक जो है वो स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर मार्केट ये तोड़ के इसको भी नीचे चली जाती है तो फिर मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा डिप में क्योंकि चली जाएगी तो हम उतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इसके थोड़ा सा मज़ीद माजी में जाएंगे और देखेंगे कि इससे भी जो अच्छी सपोर्ट लाइन है वो कहाँ पे बनती है। तो देखें, मार्केट जब बहुत ज़्यादा गिरी तो मार्केट ने रिकवरी की इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर, ये दो पॉइंट बनते हैं। तो ये देखें, अगर आप 0.066 के ऊपर आप एग्ज़िट करते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी 0.54 के ऊपर एंट्री लेने की। अगर आप थोड़े से लॉस के साथ निकल जाते हैं, दोबारा से आप इस गाला में एंट्री लेंगे तो एंट्री आप लेंगे 0.054 के ऊपर, ठीक है, तो आपको मज़ीद यहाँ पे प्रॉफिट आने के चांसेस हैं। अगर आप इससे भी नीचे जाके वेट करते हैं तो 0.49 के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फंडा, और इसमें मैंने आपको ट्रेंड लाइन के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया। मज़ीद वीडियोज़ भी आएंगी, उसमें आपको मज़ीद क्लैरिटी के साथ बता दिया जाएगा, लेकिन आपने बस कोशिश ये करनी है कि इन चार्ट पैटर्न्स को आपने जहन में रखना होता है। गूगल के ऊपर जाएं, यहाँ पे आप लिखें चार्ट पैटर्न्स, ठीक है, आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स मिल जाएंगी। ये देखें, आप एक पिक्चर को डाउनलोड करें और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, आपको यकीन करें मार्केट में मज़ा आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट आपके हिसाब से ही चल रही है। बस ये देखें, आप एक पिक्चर को डाउनलोड करें, इसको आप वॉलपेपर लगा, ठीक है, इसको आप ना लगा लें यहाँ पे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे या मोबाइल की स्क्रीन पे आप ना वॉलपेपर लगा लें। ये देखें, ये आपके सामने हर वक्त आंखों के सामने रहेगा, आपको पता चलेगा मार्केट में ये पैटर्न बनते हैं इनका नाम क्या है, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, असेंडिंग ट्राइंगल, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बुलिश, ठीक है। तो ये मतलब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे मार्केट में उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आती जाएगी मार्केट को देखने में। ये हिडन पैटर्न्स होते हैं आपको मार्केट में, ये तब नज़र आएंगे जब आप इनको ढूंढने की कोशिश करेंगे। मार्केट खुद कभी भी चीख चीख के नहीं बताएगी कि ये पैटर्न बन गया, आपने उनको ढूंढना होता है कि ये पैटर्न तो नहीं बन रहा। अगर पैटर्न बन रहा है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल किस किस तरह के होते हैं, बुलिश ट्राइंगल कौन से हैं, बेरिश ट्राइंगल कौन से हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो तब पता चलेंगी जब आप खुद प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ट्रेंड लाइन को पकड़ के, हॉरिजॉन्टल लाइन को पकड़ के आप लगाना शुरू करेंगे, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होने लगेगा। जब आपको पता चलेगा फिर आप एंट्री और एग्जिट जो पॉइंट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ये आपको आज मैंने बता दिया, सपोर्ट लाइन भी, रेजिस्टेंस लाइन भी, और उसके साथ साथ आपको पैटर्न्स के बारे में भी थोड़ा सा मैंने आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी समझा दिया। तो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोनों में याद रखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।